रे पटड़े ऊपर पैर धरण ने द्रौपदी। हाँ बोल। आज रागनी भी आर पार की होगी और आज या तो तू भात ही ले लेगी और ना तो बात भी आर पार की। वैसे तो मैंने बेरा की तू बहुत सुरीला गावे हैं पर मेरी बात सुन ले। बेरा ही चाहिए तने। हेरे पटड़े ऊपर पैर धरण ने तू मत नंद लाल उठाइए। डोंट टच मी माय हैंड। एरी तेरा भात देने ने त्यार खड़ा तू मत बेबे धम कहिए। पटड़े ऊपर पैर धरने मत नाल उठाइए। बोल भात देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धम कहिए। आदरणीय राजूदास जी महाराज गोद बलावा हरियाणा 100-100 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए महाराज जी दे रहे हैं कि मैं तालियों से जोरदार स्वागत 200 रुपए से आशीर्वाद दिया है धन्यवाद। और कन्हैया तू मुझे अपनी बहन कहता है खुद को मेरा भाई कहता है लेकिन तुझे तो ये नहीं पता कि जो भाई बहन का रिश्ता होया करे वो किसा होया करे। मेरे तो ज्यादा तो कोई दुनिया में नहीं जानता द्रौपदी। तुझे नहीं पता मैं बताती हूँ। बता दे। सुन ले। तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनुआ केरी दर्शन हो जा दोनुआ के वो समय चैन का हो से के भाई का फर्ज बहन ते दुख देवण का हो से ना भाई का फर्ज बहन ते अलग रहन का हो से ना भाई का फर्ज बहन ते तन कहाँ निभाया था तने हेरे किरसन कहाँ निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। कहाँ निभाया था? ओ द्रौपदी कहना तो नहीं चाहता था पर कहूंगा जरूर तेरा सत्यानाश चला जा तेरा। मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया मेरी आत्मा दुखावे। नहीं निभाया तू भूल सकती है ये सारा संसार जानता है ये मेरी माता बहन जानती हैं। अरे जितना बड़ा एहसान तेरे सिर पर कर दिया कोई दुनिया का भाई कर नहीं सकता था। एक बार मेरे दिल से भी पूछ कर देख जो तू ये बात कहे मेरे अंदर किसी चुप है। द्रौपदी तेरे अंदर बात चुपती हो या ना चुपती हो लेकिन मेरे चुपगी। और अगर तुझे मेरा एहसान याद नहीं है तईब कह बोल मैं जवाब दूंगा। और हे सरदारो बात अच्छी लगे तो भगवान कृष्ण के लिए ताली होनी चाहिए। कहियो के कहे तने हेरे कृष्ण कहाँ निभाया था तने तू अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी ना खिंचन दिया मेरा मत एहसान भुलाइए। तेरा चीर द्रौपदी खिंचन दिया मेरा मत एहसान भुलाइए।
बहुत ही आदरणीय मेरे धर्म के बड़े भाई, मेरे दुख सुख के साझीदार भाई रोहतास जी कुंभावत, जो गांव बनेंटी से बिलोंग करते हैं और कोटपुतली रहते हैं, भैया ने 500 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए दिए। एक बार जोरदार तालियां रोहतास भाई के लिए, बार बार धन्यवाद। मेरे ऊपर एहसान चढ़ाने की बात करे हैं, पर नू मत भूल कर नैया कि तेरे उस एहसान से पहला मने भी एक एहसान कर रखा। अरे जब तेरा दुनिया में कोई नहीं था द्रौपदी, तो मैं आया और इतना बड़ा विद्रोह कर दिया, मैंने चीरहरण नहीं होने दिया, और आज यूं कहवे है कि तन्ने ये एहसान चढ़ा रखा मेरे सर। एहसान तो एहसान, तू तो मने आके उलाने और देवे है। तेरा कोई एहसान नहीं है, तू झूठ बोला है द्रौपदी। सुन ले मेरा एहसान, सुना दे। ठाकुर सारे ठाकुर सा एहसान बता जो चढ़ा चढ़ाया तारा। कौन सा एहसान चढ़ा रखा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, वो भेद खोल दिए सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में जब चक्कर लगा तुम्हारा। इनके कहे जवाब दूंगा, मारा था शिशुपाल हाथ में जब चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया इब जान गया, तन पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। ओ, जान गया तन पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। वचन दिए एहसान बता रहे हैं, वचन दिए एहसान बता रहा, तू चलिया यहाँ ते जाइए। और मांगेगी तू तो मांगेगी वही दे दूंगा। मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में राम भगत जी पंत साहब, जिन्होंने 201 रुपए का पुरस्कार इस तरह की बेहतरीन रागनी पर दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, पूरा नाम भूल गया, कमिश्नर छाजरा से श्री अतर सिंह यादव जी, अमर सिंह श्री अमर सिंह यादव गांव छाजरा से, कमिश्नर साहब ने भी इस धार्मिक भगवान कन्हैया की रागनी पर साथियों 1100 रुपए भिजवाए। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। आदरणीय अमर सिंह जी, कमिश्नर साहब यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हटा दे अपने असली रूप में आ जा, अपना दिव्य रूप दिखा दे। यो तो तेरी वजह से है मेरा हाल, देख मेरे खुले बाल आज तक नहीं बंदे हैं। मेरी वजह तो नहीं, हाँ ये पांडव, ये जो भीम आज खामोश बैठा है, ये पांडव 13 साल से तेरी वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं द्रौपदी। ये तेने हाल बनाया है पांडवों का। मैंने तो जो बनाया ठीक है, पर तू एक कंगाल इंसान है, दुनिया तुझे छलिया कहती है, माखन चोर कहती है, मुझे तो अब पता चला है कि दुनिया सच कहती है। मैंने ना कदम माखन चुराया,
मेरे बाप के यहाँ तो लाखों गाय हैं, दो या दुनिया झूठ बोले। अच्छा, मैंने तो लोगों की मदद की है, लोगों के कष्ट हरे हैं, इसीलिए लोग मुझे भगवान मानते हैं द्रौपदी। और योग किया है, योग मेरा रूप देखना चाहे है। असली रूप में आ जा, अपने असली रूप में देख ले। बबलू सेठ ढाणी कर्ण सागर, लक्ष्मण सेठ ढाणी औद्या, साथियों 1100 रुपए दिए हैं बबलू सेठ और लक्ष्मण सेठ जी का, तालियों से स्वागत। फरमाइश आरसी प्लस गौरी रानी डांस मिलके करवाएंगे जनाब, वायदा रहा, रागनी पूरी हो जाए। फिर पहले जैसा रूप करया रे, पहले जैसा रूप करया, फिर खुले बाल देख ले, इब ज्यादा कोई ना टेम तू पूरे हुए सवाल देख ले, जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले, मैं कंगाल हूं। कंगाल मैं कंगाल हूं। कंगाल नंगा आदमी, कुछ ना है तेरा आगे पीछे। द्रौपदी मुझे कंगाल कह के तूने बहुत गलती की है, मैं कंगाल नहीं, मेरे से ऐसा दिल, मेरे जैसा बड़ा दिल वाला तो इस दुनिया में ढूंढो है। देख लो धनवान ना देखा होता किसी ने बड़े दिल वाला। अरे घाटे में कंगाल कहे ना तुझे मुझे। हाँ, अरे घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले, घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले, ना चाहिए धन मार देख ले, हेरे हेरे रे, हेरे ना चाहिए धन मार देख ले, मत पाछा पछताइए, साफ साफ बतला दे बहन, तेरी साफ साफ बतला दे बहन, बात अनोखा चाहिए, साफ साफ बतला दे बहन, बात अनोखा चाहिए। रागनी पर आदरणीय हरिराम सिंह पंच ढाणी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं, और 100 रुपए आदरणीय बंसी जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं, 500 रुपए पहले, 200 रुपए और। श्री मूलचंद यादव जी पूर्व वरिष्ठ अध्यापक बनार, और 100 रुपए श्री पन्नालाल जी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवता, दोनों गुरु जियों का बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी कहते भाई कन्हैया इधर आजा, सामने सामने ही हूँ, और मांग मांग, क्या मांगना चाहती है? ना तो मुझे तेरा धन चाहिए, ना तेरे हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए। एक बार मेरी सुन ले पहले, एक हीरे तो नहीं, हीरे मोती सोना चांदी कणी मणि पन्ने जवाहरात, ये एक पवन जून जो कैमरे वाला, ये भी तुझे दिया, हाथ में ले जा, ना चाहिए। ये जितनी भी माता बहन बैठी है ये सब तुझे दी, भात में ना चाहिए। इस झंडू को भी दे दो, ना चाहिए। ये झंडू भी तुझे दिया भात में। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, जमा से दियो। हाँ। कल लगा जी को नहीं लग गया, एक आधी नगर ले भेज दियो। और हमारे बड़े भाई भाई मनोज कुमार जी उजवा दिल्ली से चल के आए, एक बार तालियां बजा के स्वागत करिएगा, 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। मुझे ना तो तेरा कणी मणि, ना पवन, ना झंडू, कोई भी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बस तीन वचन चाहिए, अगर दे सके तो। ये मानवी ने ले जा, ना चाहिए। आरसी ने ले जा, ना चाहिए।
वाबीना चाहिए गौरी ने ले जा ले जाने दूंगा ले जाने नहीं दूंगा किसने लिखाइए ना इसने दे रहा हूँ लिखाइए ना तू ले जाने की बात कर लिखाइए ना इसने दे रहा हूँ महात्मा हट ना सो जो बेसक पे गए जमानी सतान दूंगा जब मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे लेकिन इस कहानी नहीं लखाने दूंगा हेलो मैंने नू बता दे थारी गैल आ रहा किसकी गैल आ रहा है श्री तेजपाल हनुमान यादव थानेदार काठ परिवार से जिन्होंने आप सभी का धन्यवाद भी किया था तेजपाल भाई हमारे बीच में तेजपाल हनुमान यादव थानेदार भाई थानेदार साहब के लिए जोरदार तालियां जोरदार सेल्फी ले रहे हैं काठ परिवार की तरफ से भाई साहब ने 1100 रुपये का इनाम दिया है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे काठ परिवार का और जी एक फोटो ले लेना आप भी हाँ झंडू का जरूर आना चाहिए आइए हो तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती एक वचन बस एक वचन मन ने भी दे दे ना छोडूरी बहन फिरौती पर दोनों ने वचन लिए फिर क्यों खड़ी बात पे रोती और तेरा मेरा दोष नहीं सब समय सराहनी होती रह लोगो तेरा मेरा दोष नहीं सब समय सराहनी होती अठारक सोनी दल का पीऊ अठारक सोनी दल का पीऊ मन भैया खून पिलाइए बच्चनों को वापिस कर क्यों वापिस कर नहीं होंगे वचन वापिस तू जानती है ठारक छोनी दल का खून का मतलब क्या होता है मुझे ना जानना है मुझे तो बस चाहिए हे द्रौपदी अगर मैंने ठारक छोनी दल खून देने की घोषणा की है वचन दिए तो इस संसार के अंदर वर्तमान में जितनी जीव आत्मा है कोई जिंदा नहीं बचेगा ये जितनी माता बहने यहाँ जितने लोग बैठे इनमें से कोई नहीं बचेगा ये तीनों चारों छोरी ये भी नहीं बचेंगी और इनकी तो बात छोड़िए झंडू भी जिंदा नहीं बचेगा ये मुझे कोई मतलब नहीं है कोई बचो या ना बचो पर मुझे तो अठारक सोनी दल का चाहिए अरे झंडू की तो बात छोड़ तेरा ये भाई कृष्ण भी नहीं बचेगा चल तू भी चल एक बात बताओ जहाँ पे ये निरंदी फिर मनोड़ा रह के क्या करना है मतलब मैं भी मर जाऊं तू बहान है या डायन है कुछ भी समझ ले मैंने आज से पहले एरी ताई कोई बहान बहत के समय पर खून मांगती हुई नहीं देखी आज पहली बार देख रहा हूं हटकी हटीली द्रौपदी अगर तेरे वचन वापस नहीं हो सकते तो जा तेरे तीन वचना की पूर्ति तब मैं करूंगा और मेरा भी एक वचन है के उसकी पूर्ति तन्ने करनी होगी और सरदारों जवाब अच्छा लगे तो ताली चाहूंगा ये 100 रुपये कैप्टन साहब बाबूजी राम स्वरूप जी 100 रुपये से अपने बच्चों का मान सम्मान करते हैं धन्यवाद और आज के इस भव्य प्रोग्राम के आयोजक मैंने कदर सपने भी नहीं लिए थे जिस पुण्य आत्मा की जाने के बाद स्वर्गीय श्री महादा राम यादव जी जिनके नाम पर यह धर्मशाला बनाई गई प्रतिमा लगाई गई और उनके अनुयायी चौथमल यादव जी और उनके परिवार की तरफ से 1100 रुपये दिए हैं मेरी पार्टी को एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए बहुत बहुत आभार भाई मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा जो व्यक्ति धर्मशाला गौशाला में दान करते हैं किसी गरीब की बेटी के यहाँ दान करते हैं वो महान होते हैं वो इस जन्म को भी सुधार रहे हैं अगले जन्म को भी सुधार रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद चौथमल जी और उनके परिवार का अठारक सोनी दल का पीऊ मन भैया खून पिलाइए पर पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी करिए पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी करिए
तुझे लोग छलिया तो कहते हैं कन्हैया, पर मुझे ये पता होता कि मेरा भाई मेरी गैल भी छल करेगा तो तीन वचन नहीं देती। एक वचन नहीं देती, तीन तो मैंने दिए हैं। एक वचन बिल्कुल नहीं देती। तने बर्फी खाई है? मैंने ना खाना आज कुछ भी। तू इस झंडू ने खा जा बगैर नमक लगाए। जब मेरा बात पूरा नहीं होना मैं तुमने दोनों नहीं खा जाऊंगी। ये बात हुई ना मेरे, दोनों खाने की बात नहीं। हाँ। दो से पूरा नहीं पटेगा, जमा सता लिए मेरे भी तसल्ली बैठ जाएगी, इंटी जरूर खा लिए, निमा केला रह जाऊंगा। द्रौपदी हाँ, अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे भी नहीं बख्शेगी तो मैं किसी भी कीमत पर तुझे तीन वचन नहीं देता। अच्छा, किसी भी कीमत पर। मेरी बात सुन ले। सुना दे। ओ तेरी फिरौती का पता नहीं, तने मारी चोट कुड़ाली। ए जा, पहले तेरी रीत चली आई ना फ्रोती लई नराली। तुम छेओ के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। इसे कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। हो कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। किरसन भाजे करण गढ़ दे हेरे हेरे रे, हेरे किरसन भाजे करण गढ़ दे नित भारत में गईये। और नीसा की जोड़ी सभा बीच में सुनिए। नरदेव और नीसा की जोड़ी सभा बीच में सुनिए। पटड़े ऊपर हाथ देने प्यार खड़ा तू मत बे बे धमकई।